बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको होममेड हलीम मसाला बनाना बताती हूँ, जो मसाला हम घर में ही तैयार करेंगे। और इसके लिए मैंने तकरीबन 1 चम्मच काली मिर्च ली है, साबित काली मिर्च, 3 मैंने बादियान के फूल लिए हैं, 3 बड़ी इलायची है, 5 छोटी इलायची, 7-8 दाने मैंने लौंग के लिए हैं, ये कुछ पत्ते तेज़पात के हैं। यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने साबित धनिया लिया है और तकरीबन इतना ही मैंने साबित ज़ीरा लिया है। पहले इन मसालों को, जो साबित मसाले हैं, इसको रोस्ट करेंगे और फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। देखिए, मैंने फ्राई पैन रख दी है चूल्हे पे, ये साबित काली मिर्च, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज़पात हम रोस्ट नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट हम ऐसे ही मशीन में डाल के इसको पीसेंगे, और कोरिएंडर और ये साबित ज़ीरा, इन सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद इसे हम पीसेंगे। ये रोस्ट किया हुआ होता है तो पीसने के बाद इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये थोड़ा रोस्ट हो जाता है, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए, सारे मसाले मैंने रोस्ट कर लिए हैं, इसको इसमें निकाल के थोड़ा सा ठंडा भी किया है ताकि एकदम गर्म गर्म में मशीन में ना डालूँ। अब इन सारे मसालों को हम पीस लेंगे, इसके साथ ये जो तेज़पात है ये भी हम शामिल कर देंगे। ये तेज़पात हमने रोस्ट नहीं किया था, ये करने के बाद इसे पहले पीस लेते हैं। इसे हमें दरदरा से पीसा है, इसे मज़ीद पीसेंगे, कुछ और मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 चम्मच हल्दी है, तकरीबन 2 चम्मच मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच नमक है, यहाँ पर मेरे पास सिनेमन पाउडर है जिसे दार चीनी भी कहते हैं, अगर आपके पास साबित है तो आप साबित डालिए, मेरे पास अभी पाउडर अवेलेबल था तो मैंने ये ले लिया। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1/2 चम्मच जावित्री का पाउडर है और यहाँ पर मेरे पास अदरक का पाउडर है, अगर आपके पास साबित अदरक हो तो आप वो साबित अदरक, जो ड्राई अदरक होता है जिसे सौंठ भी कहते हैं, अगर आपके पास वो सौंठ हो तो आप वो ले लें, मेरे पास पाउडर अवेलेबल था तो वो मैंने ले लिया। और यहाँ पर जायफल भी मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, अगर आपके पास साबित हो तो आप आधा पीस ये ले लें। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, सारे मसाले हमने पीस लिए हैं। यहाँ पे एक छन्नी मैंने ले ली है ताकि हम इसे अच्छी तरह इस तरह से इसमें छान लें, अगर कोई चीज़ साबित रह गई है तो वापस हम इसे पीस लें, इसे निकाल के इसे छान लें ताकि अगर कोई चीज़ रह जाए तो हम इसे वापस से पीस लें। ये देखें, ये इतना वापस बच गया है, वापस हम इसे मशीन में डाल के वापस कर लेंगे। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हलीम मसाला बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से आप घर में होममेड मसाला बना के भी हलीम तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसे हलीम भी बनाकर इसकी वीडियो अपलोड करेंगे।